Assalamualaikum to everyone. आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे. आप देख रहे हो JK Studio Point और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JK Bopi BSc Nursing Paramedical and Technology कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग. ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा मॉक टेस्ट केमिस्ट्री के लिए, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना. वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना. तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ JK Bopi से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं. बाकी मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए. इसके अलावा आप सब लोगों का यही क्वेश्चन होता है हमेशा कमेंट सेक्शन में भी, और आप हमें मैसेज करके भी पूछते हो कि इसकी PDF प्लीज़ हमें सेंड कीजिए. तो मैं आपको बता दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में हम ज़रूर इसकी PDF सेंड करेंगे आज कन्फर्म. उसको आप ज्वाइन ज़रूर करना. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कमेंट बॉक्स में दी हुई है. बाकी जितने भी वीडियोज़ हुए उनकी भी मैं PDF कोशिश करूँगा कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है PDF बनाने में. इसलिए मैं डायरेक्टली वीडियो में ही बता देता हूँ. अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ से आपको PDF दे दूँ. तो आप जाइए ज्वाइन कीजिए आज कन्फर्म, मैं आपको कुछ PDFs वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा. अब यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री से रिगार्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो Chapter 1 केमिस्ट्री एंड मेजरमेंट्स. तो यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. हमने चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को रखा है तो ऑब्वियसली हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है द मेजरमेंट 0.000043 m एक्सप्रेस्ड करेक्टली यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन इज़. तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट बताना है इसका, आपको इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में. इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट. तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कीजिए, बी पार्ट यहाँ से इसका सही आंसर रहेगा. यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बी पार्ट इसका सही आंसर है. उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंटेन द डिजाइनेटेड करेक्ट नंबर ऑफ साइंटिफिक फिगर्स. तो यहाँ पे आपको करेक्ट नंबर ऑफ साइंटिफिक फिगर्स बताना है इनमें से जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं. इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट. और यहाँ पे आप देख सकते हो 156000, इसमें 3 साइंटिफिक फिगर्स है तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है. उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो विच ऑफ द आंसर्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सेशंस कंटेन द करेक्ट नंबर ऑफ साइंटिफिक फिगर्स. तो यहाँ पे फिर से आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है. इसका सही आंसर रहेगा सी पार्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो 24.95 मीटर इंटू 1 आवर 60 मिनट इज इक्वल टू. तो यहाँ पे आप ये नोट डाउन कीजिए. उसके बाद अगर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर नॉट इक्विवेलेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 है केमिस्ट्री का. तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट 150 ms second 0.15 second. उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड कन्वर्ट सेंटीमीटर्स टू फीट. तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन बता देना है सेंटीमीटर्स टू फीट. क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है सी पार्ट. इसको आप नोट डाउन कीजिए यहाँ से. उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, डॉक्टर ऑर्डर इज 0.125 ग्राम एमेक्सिलिन द लिक्विड सस्पेंशन ऑन हैंड्स कंटेंट 5 mg 5 ml, हाउ मैनी मिलीमीटर्स ऑफ द सस्पेंशन रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे आपको मिलीमीटर्स बताना है कितने सस्पेंशन के लिए चाहिए. और यहाँ पे ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है. इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो रहेगा सी पार्ट. यहाँ पे 2.5 ml इसके लिए रिक्वायर्ड चाहिए. उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, नगेट ऑफ गोल्ड विथ अ मास ऑफ 521 ग्राम इज एडेड टू 50 ml वाटर. द वाटर लेवल राइज टू द वॉल्यूम ऑफ 77.0 ml. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड. तो आपको गोल्ड की डेंसिटी बतानी है. डेंसिटी की फार्मूला अगर आपको पता होगी आप इजीली इसको कर सकते हो. बाकी इसका जो सही आंसर है वो बी पार्ट 6.77 g ml. उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल फ्लोट इन गैसोलीन विच हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 0.66 g ml. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस फ्लोट करेगा गैसोलीन में जिसकी डेंसिटी इतनी है. अब यहाँ पे इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है बी पार्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसल वुड डेंसिटी, इसकी आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए. उसके बाद अगर हम बात करेंगे मैच द फॉलोइंग मेजरमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हो गिवन यूनिट ऑप्शन ए थ्रू ई. तो यहाँ पे इसको आप मुझे आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में, खुद ही आप इसको कर लेना. अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना. उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे Chapter 2 की, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर कंप्लीट क्वालिटी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको आप प्रीफिक्स लगा सकते हो 1 ग्राम कितने kg होते हैं, 1 मिलीमीटर. इस तरीके से ये कन्वर्जन है, इसको आप कीजिए. इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी जब आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करोगे. उसके बाद अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे एनर्जी एंड मैटर की, तो व्हेन अ सॉलिड इज़ कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस द चेंज ऑफ स्टेट इज़ कॉल्ड
जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली गैस में, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ से आपको बताना है जब हम सॉलिड को डायरेक्टली चेंज करते हैं गैस में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सब्लिमेशन, ई पार्ट। तो ये इजी क्वेश्चन, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। इन अ गैस द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज, अगर हम बात करेंगे गैस की तो जो डिस्टेंस होती है उनके पार्टिकल्स के बीच में, तो यहाँ पे आपको बताना है अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे इसके आंसर्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है। 24 का जो सही आंसर है वो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। सेम इसका भी ई पार्ट ही आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी लार्ज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे इसका सही आंसर यही रहेगा। उसके बाद अगर हम 25 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हीलियम इज एन, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम क्या है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा 25 का वो रहेगा सी, हीलियम एक एलिमेंट है। उसके बाद एयर इज एन, तो आपको बताना है एयर क्या है। 26 क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है वो है होमोजेनियस मिक्सचर। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, तो आपको बताना है केमिकल चेंज कौन सी है इसमें से। 27 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, बर्निंग शुगर। उसके बाद 28 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, तो आपको बताना है फिजिकल चेंज कौन सी है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। 28 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर जो है वो है ड्राई असेंबलिंग। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 29 क्वेश्चन नंबर की, हाउ मेनी कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 155 ग्राम सैंपल ऑफ गोल्ड फॉर 25 सेंटीग्रेड 175 सेंटीग्रेड द स्पेसिफिक हीट ऑफ गोल्ड इज, तो यहाँ पे आपको बताना कितनी कैलोरीज हमें चाहिए अगर हमें गोल्ड को रेज करना है टेम्परेचर 150। उसका जो सही आंसर रहेगा 29 का, मैं आपको बता देता हूँ डी पार्ट, 693 कैलोरीज। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइडेंटिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपिरेशन एज फिजिकल केमिकल चेंज, तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से फिजिकल चेंज कौन सी हैं, किस में होती हैं, केमिकल चेंज किस में होती है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे एटम्स एंड एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मेटल, तो आपको बताना इनमें से कौन सा मेटल है। 39 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डी पार्ट इसका सही आंसर है स्टोर्नियम। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए नोबल गैस, तो आपको बताना है नोबल गैस कौन सा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ से सही आंसर है डी पार्ट, ऑर्गन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे द एलिमेंट्स इन द लिस्ट विच केमिकल प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू द मैगनीज इज, तो आपको बताना है इस लिस्ट में से कौन सा ऐसे एलिमेंट है जिसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है मैग्नीशियम की जैसी। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 41 क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, स्टर्नियम। उसके बाद अगर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज करेक्ट, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर है वो है ए पार्ट, इसको आप यहाँ से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे मास नंबर ऑफ एन एटम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, तो आपको बताना है मास नंबर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किससे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की, द करेक्ट सिंबल फॉर द आइसोटोप ऑफ पोटेशियम विथ 22 न्यूट्रॉन्स आर, तो यहाँ पे आपको सिंबल बता देना है पोटेशियम का क्या है अगर उसके पास 22 न्यूट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे विच द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम। आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिया गया है, इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 45 का वो रहेगा सी पार्ट, 50 प्रोटॉन्स 68 न्यूट्रॉन्स 50 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद 46 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, द सेम एटम इन नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद यहाँ पे आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, सैंपल ऑफ क्लोरीन हैज टू नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स, द आइसोटोप Cl35, यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए इस तरीके से आइसोटोप Cl37, तो मेक्स 24% ऑफ द सैंपल, व्हाट इज द एवरेज एटमिक मास ऑफ द क्लोरीन, तो आपको क्लोरीन का एटमिक मास बताना है इस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है वो है डी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे, सैंपल ऑफ सिलिकॉन हैज थ्री नेचुरल ऑकरिंग आइसोटोप्स
SI 28, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं SI 29, इसी तरीके से SI 30। इफ द एवरेज अटोमिक मास ऑफ द सिलिकॉन इज 28 AMU, विच आइसोटोप इज द मोस्ट एविडेंट। तो यहाँ पे आपको मोस्ट एविडेंट आइसोटोप बताना है इसका। क्वेश्चन नंबर 48 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो SI 28 इन तीनों में से। उसके बाद 49 की बात करेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर एनर्जी लेवल ऑफ द न्यूट्रल एटम ऑफ बोरॉन इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आउटर एनर्जी लेवल ऑफ न्यूट्रॉन बोरॉन में आता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, आप देख सकते हो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। 49 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट इसका सही आंसर है 3। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे, विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। तो यहाँ पे आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम की, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का वो है डी पार्ट। तो यहाँ पे आप ये नोट डाउन कीजिए, 1s2 2s2 2p6, इस तरीके से ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। द नंबर ऑफ डॉट्स इन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन इज। तो यहाँ पे आपको बताना है इलेक्ट्रॉन डॉट्स जो कार्बन का है उसमें कितने डॉट्स हैं, यहाँ पे आपको बताना है स्ट्रक्चर में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 51 का वो रहेगा डी पार्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ क्लासिफाई द एलिमेंट्स विद ऑप्शन ए थ्रू ई एफ। तो यहाँ पे आपको बताना है नोबल गैस, अल्कली मेटल, सोडियम कौन कौन सा है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ अगले पार्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के, पार्ट 2 भी आ जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करना। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस थे, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।